सर अब हमारे इस सेशन का जो है लास्ट पार्ट है, जिसका यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कह लें नौजवानों के लिए खासतौर से, कि आपके ख्याल में जैसा कि सर हम जानते हैं कि नौजवान जो है वो उनके पास डिग्रीज तो हैं ठीक है जी, लेकिन कोई स्किल नहीं है, वो उनको कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करें, वो किसी गेम की तरफ मूव करें एज ए प्लेयर, एज ए कोच, या एज ए जो है टेक्नीशियन कमेंट्री, किसी भी फील्ड में वो जो है स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आपकी क्या सजेशन है उनको, नौजवानों को खास तौर पे, जैसा कि हम देखते हैं हमारे कंट्री के अंदर जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो है नौजवानों को क्या सजेशन है कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें जॉब के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, ये काइंड थोड़ी सी अपनी थिंकिंग इसके बारे में शो कर दें। देखिए जी, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे, मेरे ख्याल से नौजवान जो है, नस्ल जो है, मैं अपने टेनिस प्लेयर से रिलेट करता हूँ, यंगस्टर्स वगैरह हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ, के जल्द से जल्द रिजल्ट्स आए, कुछ काम करने को भी ना हो, कुछ मेहनत करने को भी ना हो, और बेसिकली वही बात है, चट पगनी मंगनी पट ब्याहनी चीज है कि बस एकदम से सारी चीजें हो जाए. लाइफ इज नॉट लाइक दैट जी. अगर आप ग्रेटनेस को रीच करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं आते हैं. You have to make sacrifices. You have to be patient. You have to be disciplined, and you need to believe in yourself. अगर आपके भाई चार फैक्टर्स नहीं है आपके अंदर, पर्सनालिटी के अंदर, और ऑब्वियसली अल्लाह के अंदर बिलीफ रखना, तो आप लाइफ में फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. जो लोग भी लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकते. आपको शायद कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो जो ग्रेटनेस के लिए, जिसके लिए आप प्रसू कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलती. और लाइफ के अंदर कोई किसी भी फील्ड के अंदर अचीव करने के लिए आई थिंक वन नीड्स टू मेक सैक्रिफाइसेस टू बी और जरूरी है. और हमारे यंगस्टर्स ने अब मेरे ख्याल से जो एक ट्रेंड हो गया है कि एवरीबॉडी इज एक्सक्यूजेस को चेंज करके उनको अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो टू मेक योरसेल्फ बेटर. बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिसकी मैं देता हूँ सबको, अकील खान है हमारे सामने, और पाकिस्तान से निकला है, पाकिस्तान जा है, पाकिस्तान में बड़ा पड़ा है, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह उसको नहीं मिले, उसने अपनी मेहनत पे, अपने जोश के साथ, बलबे के साथ मुल्क खिदमत कर. जी जी सर, बस हाँ जी, ये सर काइंडली आप ही अपना थोड़ा सा मैसेज रिकॉर्ड करवा दें ऑडियंस के, नौजवानों के लिए खास तौर पे पैगाम। मैं जी जी सर, अकील खान सर। अवन, देखिए जिस तरह सामने बताया कि देर इज नो शॉर्टकट, और आजकल जिस तरह का वक्त चल रहा है कि मोबाइल वगैरह और इतनी डिस्ट्रैक्शन आ गई है प्लेयर को, जो अपकमिंग प्लेयर है उनके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल, डिसिप्लिन, फोकस रखना और कोई गोल रखना। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह नहीं देखते, बस आज 2-3 घंटे प्रैक्टिस की, मोबाइल निकाला और जी चले जी हमने आज प्रैक्टिस कर ली और वो जाके वो कर ले। मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशन अगर आप चूज करें, इवन वो बिजनेस हो या डॉक्टर बनना, तो आपको 100% जो है उसको देना पड़ता है। जो मैंने यहाँ पे, यहाँ पर आके सीखा है, अपने यहाँ इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स के बीच में नडाल वगैरह, और ये शाम, इवन ये शाम को मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं शाम को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका उठना खाना पीना रहना सोना सब कुछ जो है वो टेनिस है, इतना कुछ करता है तो आज इस लेवल पे पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से जब तक किसी भी स्पोर्ट्समैन में और किसी भी रिलेटेड फील्ड से अगर ये चीज, आप जो भी आपका प्रोफेशन एक करियर है, अगर आप उसको 100% उसको सीरियस अगर आप नहीं लेंगे, तो आई रियली डोंट थिंक कि जो है आप वो उस लेवल तक या उस जगह पर आप पहुंच सकते हैं जो जगह आप चाहते हैं, जिस प्रोफेशनिज्म को हम कहते हैं। बस हमारा जो आजकल का जो हमारा ट्रेंड है, सिर्फ हम मुंह से ना अपने आप को प्रोफेशन, ये किसी भी चीज को हम प्रोफेशन कहते हैं, लेकिन अगर हमारे काम, अगर हमारे वो रूटीन देखें तो वो उस तरह नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो बहुत लैकिंग है आजकल के प्लेयर्स में। ठीक है, इसका एक टाइम इस्तेमाल करने का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप करें इस्तेमाल, इसका एक वक्त होता है वो आप उस पर करें, लेकिन आपका सोना और आपकी ट्रेनिंग और आपका वर्कआउट जो है वो होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बाकी आपका फ्री टाइम है, आप जो मर्जी करें, लेकिन इन अगर ये चीजें डिसिप्लिन आ गए और आपकी किसी भी चीज में नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से कि आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही।